को कहीं देखा है? नो। ये पेशेंट ऑपरेशन। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब को कहीं देखा नहीं है? नहीं तो? आपने? डॉक्टर साहब, डॉक्टर मुखर्जी, डॉक्टर साहब। दुश्मन परेकर, तेरी ये पिस्तौल। वो समझते हैं मैं क्या चाहता हूं? वो तेरी तरह अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखे समझदार डॉक्टर हैं। हाँ, मैं एक डॉक्टर हूं, लोगों की जान बचाता हूं, जान लेता नहीं, और आप जो चाहते हैं वो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। वो इस बार तो करना ही पड़ेगा डॉक्टर। आप जैसा समझदार इंसान इनकार करके अपनी बीवी और बच्ची की जान से हाथ धोने की भूल थोड़ी करेगा। क्या मतलब? हमें हमें जल्दी से यहाँ से छुड़वाइए, नहीं तो ये जालिम हम लोगों को मार डालेंगे। अरे ये क्या कर रहा है मेरे बच्चे को? छोड़ो इसे, मम्मी बचाओ। अरे 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 क्यों इस बेचारी को? बेचारी वही नहीं, मैं भी हूँ। मैं वो बेचारा हूँ जो बड़ी मुश्किल से आज अपनी मंजिल के पास पहुंचा है। मेरे और मेरी मंजिल के बीच में एक छोटी सी अड़चन है, मेरी बहन का होने वाला छोटा सा बच्चा, जिसको रास्ते से हटाने का नेक कर्म आप जैसे समझदार आदमी को बड़ी समझदारी से करना होगा। करेंगे ना? छह नंबर के पेशेंट की हालत बहुत ही सीरियस है। बहुत अर्जेंट है क्या? यस, इट्स अर्जेंट, सीरियस। चलो। डॉक्टर साहब, इस बार मेरे बच्चे को बचा लीजिए। पिछले दो सालों से डॉक्टर साहब मेरी बीवी को मरा हुआ बच्चा पैदा हो रहा है, अगर इस साल भी गड़बड़ हो गई ना तो मेरी बीवी मर जाएगी, जहर खा लेगी वो। ठीक ठीक है, अभी कहीं का नहीं रहूंगा। डोंट वरी, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी, प्लीज डू समथिंग डॉक्टर साहब। ओह माय गॉड, तीसरी बार भी बच्चा मरा पैदा हुआ। डॉक्टर साहब, आठ नंबर वाली पेशेंट की हालत और भी सीरियस है। ओ सर, लड़का हुआ है। अच्छा, सिस्टर जरा बाहर जाना। क्यों सर? कहा ना, प्लीज को। ओके। जो मैं कह रहा हूं जरा ध्यान से सुनिए, उसे बड़ी सावधानी से करना होगा। मुझे क्या करना होगा डॉक्टर साहब? इधर आइए। सेठ जी, इस वक्त इस बच्चे की जान बचाकर आप एक नहीं कई जानें बचा सकते हैं। इसे ले जाकर अपनी पत्नी के पास रख दीजिए और अपना बच्चा इधर ले आइए। मेरा बच्चा यहाँ? हाँ। क्यों ले आऊं डॉक्टर साहब? क्योंकि क्योंकि इस बार भी आपका बच्चा मरा पैदा हुआ। हे भगवान। और इसको भी मारने के लिए यमराज सर पर मंडरा रहा है। मगर डॉक्टर साहब, बच्चे की माँ? उसके लिए आप फिक्र मत कीजिए, मैं समझा दूंगा इसे। पर आपको जो करना है जल्दी कीजिए सेठ जी, वरना देर हो जाएगी। चलिए। और हाँ सुनिए, हाँ, ये राज किसी और को न बताइए, अपनी पत्नी तक को नहीं। किसी को नहीं बताऊंगा डॉक्टर साहब। देर मत कीजिए सेठ जी, चलिए। क्या मतलब? मैंने तो
मैंने तो आपकी मदद की। माँ जाओ फिर जल्दी जाना। थैंक यू मनु। छोटे मालिक तनी रुको और हमरे मौसम विभाग की खबर सुनो। अंदर का मौसम बहुत खराब है। पर क्यों? बड़े मालिक और माजी अनसन कर दिए हैं, हरे बादलों की तरह बैठे हैं, बरसने को तैयार हैं। लेकिन मुन्नू वजह क्या है? वजह? मैं समझ गया। मैं देखता हूँ। क्या बात है, आज सब लोग बड़े चुप नजर आ रहे हैं, कोई खास बात? देखो माँ, मेरे तो पेट में भूख के मारे चूहे डिस्को कर रहे हैं, मैं तो खाना खाऊंगा। खाना टेबल पर रखा है, भूख लगे तो खा लो। माँ, कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों से पहले मैं खाना खा लूं? हमें भूख नहीं है। मगर क्यों नहीं है बाबूजी, ये सब क्या हो रहा है? जो हो रहा है वो सही हो रहा है। मैं और तेरी माँ इस घर का खाना तो क्या पानी तक नहीं पियेंगे, और कल सुबह होते ही कहीं दूर निकल जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? कहीं भी, किसी तीर्थ यात्रा पे निकल जाएंगे। और तब तक नहीं आएंगे जब तक मैं शादी के लिए मान ना जाऊँ। तो बस इतनी सी बात को लेकर हालात अब इतने भयंकर रूप धारण कर चुके हैं कि मेरे पूजनीय पिताजी और माँ अनशन कर इस घर को छोड़ तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं। समस्या तो बड़ी गंभीर है, कुछ करना पड़ेगा। सोशलिटी यानी तथास्तु। तथास्तु? हाँ तथास्तु। यानी तू शादी करने के लिए तैयार है? हाँ, एक शर्त है बाबूजी। हर इंसान को अपने जीवन काल में एक बार तो चारों धाम के दर्शन कर लेने चाहिए, और अगर ये दर्शन उनकी संतान उन्हें करवा दे तो उन्हें भी पुण्य प्राप्त होता है। तो फिर क्यों ना मैं ही झोली भर लूं? भैया तू झोली भर ले, लेकिन शादी तो कर ले। अरे बाबूजी, क्या शादी के बाद मैं तीर्थ यात्रा पर निकल पाऊंगा? देखिए, इससे पहले कि आप लोगों के प्रति मेरे कर्तव्य का पलड़ा हल्का पड़ जाए, कर लीजिए चारों धाम की यात्रा। उसके बाद आप लोगों की इच्छानुसार आप लोगों की मनचाही बहू इस घर में आ जाएगी। मेरा बेटा कितना समझदार है, बिल्कुल मेरे पे गया है। इसीलिए मुझे शक हो रहा है कि कहीं ये मुझे उल्लू तो नहीं बना रहा है। नहीं बाबूजी, इस बार नहीं। कौन नहीं चाहेगा चारों धामों की यात्रा करना? बाबूजी, इन चारों धामों के दर्शन करने से पुण्य के साथ साथ ज्ञान में भी वृद्धि होती है। चलो, अगर ऐसा करने से शादी की विपत्ति दूर होती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल ठीक है, तो जाने की तैयारी करें। और माँ जी, हमने सुना है चारों धाम की यात्रा करने से मन की हर मुराद पूरी हो जाती है। अगर ये सच है माँ जी, तो हम भी आपके साथ चलिए। चारों धाम की चमत्कारिक यात्रा करने से हमारी वही इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तेरी कौन सी इच्छा रे? कर लो बात, वो दुल्हनिया वाली। तेरी मालकिन तेरे छोटे मालिक और मुझे ले जाए या ना ले जाए, तुझे जरूर ले जाएगी। अजी, ये है कहाँ चार धाम? लो, तुम्हें नहीं मालूम?
गंगोत्री यमुनोत्री बद्री धाम केदार धाम। अच्छा नहीं बाबूजी, ये तो हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड के चार धाम है। मैं तो उन चार धामों की बात कर रहा हूँ जो कि आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा प्रतिष्ठित है और भारत की चार दिशाओं में बसे हुए हैं। जैसे कि वो उत्तर में बद्री धाम और दक्षिण में रामेश्वर धाम और पूर्व में जगन्नाथपुरी धाम और पश्चिम में द्वारका धाम। राइट। अरे ये तो पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण हो गया। अरे भाग्यवान क्यों ना शुरू की जाए, श्री गणेश किया जाए इस यात्रा कल ही। लेकिन बाबूजी कल तो हमारी कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, कल कैसे जा पाएंगे? अरे हाँ, इधर आ। बड़ी मुश्किल से मानी है तेरी माँ, ये कंजूसी का दौरा फिर से पड़े उससे पहले निकल जा गर्मा गर्मी में, नहीं तो ये चार धाम की यात्रा चार जन्मों में पूरी नहीं होगी। लेकिन बाबूजी वो मीटिंग। अरे मैं हूँ ना भैया, मीटिंग मैं संभाल लूंगा, तू चिंता मत कर, दो दिन के बाद तो मैं भी वहाँ आ जाऊंगा। और हाँ, मेरा एक गाइड दोस्त है सुशील कुमार गढ़वाली, मैं उसे टेलीग्राम भेज दूंगा, वो तुम्हें रिसीव करने आ जाएगा। ठीक है? ठीक है बाबूजी। भाग्यवान कल का दिन बहुत ही शुभ है, शुरू हो जाओ।
विजय के लिए राम ने किया शक्ति का आह्वान, देवी हुई प्रसन्न दे दिया मन चाहा वरदान, बिगड़े काम बनाए प्रभु जी भक्त भजे हरि नाम, कर लो चारों धाम मिलेंगे कृष्ण मिलेंगे राम, कर लो चारों धाम मिलेंगे कृष्ण मिलेंगे श्रद्धा से नारी नर, माथे धूल चढ़ाओ इस धरती को करो प्रणाम, कर लो चारों धाम मिलेंगे कृष्ण मिलेंगे राम, कर लो चारों धाम मिलेंगे कृष्ण मिलेंगे गाइड होना। बिल्कुल ठीक साहब जी, पर आपने हमको कैसे पहचान लिया? जैसे आपने हमें पहचाना। ओ, हमको तो शेठ जी ने टेलीग्राम किया कि आप सब लोग बंबई से इधर आ रहा है और आपको देखते हम पहचान गया कि आप ही गोविंद शेठ जी है, पर आपने हमको कैसे पहचान लिया? अरे भाई, तुम्हारे हाथ में ये नेम प्लेट देखकर। साहब जी, यहाँ से हमारा शहर शुरू होता है और वो देखिए साहब जी, हमारा बद्री विशाल मंदिर वो सामने। ब
बद्री धाम, ऐसी ठंड में कैसे करें स्नान? अरे निकल जाएगी अपनी जान। आए हो बद्री धाम, क्या बिना किए स्नान करोगे विष्णु जी का अपमान? साहब जी, इसीलिए तो आप भक्तों के लिए प्रभु ने विष्णु धाम में एक पवित्र तप्त कुंड बनाया है, जिसमें 12 महीने गर्म पानी आता है। 12 महीने गर्म पानी? जी साहब, वो भी इतनी ऊंचाई पर? वाह, देखो माँ, ये तो सचमुच एक चमत्कार है। ओ जी, ये तो बद्री धाम के चमत्कारों में से एक छोटा सा चमत्कार है। यहाँ स्नान करने से तन मन का मैल ही साफ नहीं होता, बल्कि मन की इच्छाएं भी पूरी होती है साहब जी। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, आ गए हम तेरे द्वार। बेटा, इस मंदिर के दर्शन करके जो खुशी मुझे मिली है, उससे पता चला कि ये धाम इतने पवित्र क्यों है। सच माँ? अरे, अरे, ये कहाँ भागा? अरे छोटे बाबू, छोटे बाबू, ये ना, और देखो ये नजारा, अरे कैसन बह रही है अलकनंदा की धारा। और ये देखे साहब जी, नीलकंठ पहाड़। आज तक इस पहाड़ पर कोई भी नहीं चढ़ पाया, इसका दर्शन सब लोगों को प्राप्त नहीं है। देखे कितना लुभावना दृश्य है। आइए बैठिए भाई, बैठिए। पहले आप सब लोग मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए। क्या हजारों तीर्थ यात्री बद्री धाम के दर्शन के लिए आते हैं, जिनमें आप लोग भी शामिल हैं? तो बताइए इस धाम का क्या महत्व है? आप ही बताओ। नहीं मालूम? ठीक है साहब, मैं बताता हूँ। इस चार धाम की स्थापना 4 स्तंभों की तरह देश के चारों कोनों में इसलिए की गई कि धर्म और राष्ट्रीयता उस पर टिकी रहे, देश में एकता कायम रहे। अगर इस बद्रीनाथ धाम की कृपा ना होती तो क्या हम यहाँ पहुँच पाते? मैं तो इस तीर्थ की आभारी हूँ। माता जी, आप और हम ही क्या? नमस्कार पुजारी जी। देवता भी इस तीर्थ के आभारी हैं। देवता भी इस तीर्थ के आभारी हैं? भला वो कैसे पुजारी जी? आपने समुद्र मंथन की कथा तो सुनी ही होगी। जी पुजारी जी। कहा जाता है देव और आसुरों ने समुद्र मंथन के लिए जिस मंदरांचल पर्वत का उपयोग किया था, वो इसी तपोभूमि पर था। मतलब इस बद्रीनाथ धाम में? जी हाँ, इसी बद्रीनाथ धाम में। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अरे पुजारी जी, आपने तो बताया ही नहीं कि देवता इस धाम के कैसे आभारी हैं। देवता इस धाम के कैसे आभारी थे? अच्छा तो बैठ। एक बार राक्षसों ने देवताओं को युद्ध में हराकर उनके स्वर्ग लोक का सारा खजाना एवं रत्नों को लूट लिया, लेकिन वे रत्न समुद्र में गिर गए। उन्हीं रत्नों को निकालने के लिए सागर मंथन किया गया, पर अमृत कलश के कारण एक समस्या आ खड़ी हुई। उस पर अधिकार पाने के लिए देव और आसुरों में विवाद खड़ा हो गया। देव विवश होकर विष्णु जी के पास सहायता मांगने गए। इस दुविधा को सुलझाने के लिए विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया। एक कलश में मदिरा और दूसरे में अमृत भरकर मोहिनी ने बड़ी चतुराई से देवों को अमृत पिला दिया और असुरों को मदिरा। और इसी प्रकार देवों और दानवों के समान हर मनुष्य के मन में अच्छाई और बुराइयों का संघर्ष चलता रहता है। इन धामों की यात्रा से हमारे भीतर की अच्छाइयों को बल मिलता है और हम बुराइयों पर विजय प्राप्त करते हैं। यहाँ आकर इस ज्ञान की प्राप्ति भी तो इसी बद्रीनाथ धाम की देन है ना माजी? बिल्कुल ठीक मुन्नो। अब तो आप बद्रीनाथ धाम के बारे में जान गए होंगे। यही वो अमूल्य ज्ञान था जो मैं आपको दे सकता था और मैंने आपको दिया। यही हमारी संपत्ति होती है जो हम गाइड यात्रियों में बांटते हैं। और इसी विद्या ज्ञान के लिए बद्रीनाथ धाम श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सरस्वती का निवास है। सरस्वती का निवास? हाँ, यही से सरस्वती लुप्त होकर इलाहाबाद के प्रयाग में प्रकट हुई। तुमने इन्हें उस पवित्र स्थान के दर्शन नहीं कराए जहाँ पर सरस्वती लुप्त हो जाती है? जी अब ओह, मेरी पूजा का समय हो गया, मैं चलता हूँ। आप लोगों से मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई, कुछ दिन और ठहरेंगे ना? जी हाँ पुजारी जी, दरअसल लोग बाबूजी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके आने के बाद हम सब लोग बाकी धामों की यात्रा पर निकलेंगे। भगवान ने चाहा तो आप जैसे भक्त जनों के पुनः दर्शन होंगे। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल पंडित जी। कहाँ है ये गांव?
माना गांव में नजदीक ही है, बस 3 किलोमीटर दूर। हम तो वहां अवश्य जाएंगे। तो चलिए ना माँ जी, अभी ले चलते हैं आपको। हमरा और भोजन का है चोली दामन का संबंध। अरे आप लोग तो खाओगे, हमको चलकर करना है प्रबंध। हम तो चले माँ जी। शाह जी, एक बार जब वेद व्यास जी गणेश जी से पुराण लिखवा रहे थे, तब सरस्वती जी उनका ध्यान दूसरी ओर बटा रही थी। उनके मना करने पर भी जब वो नहीं मानी तो गुस्सा होकर उन्होंने सरस्वती जी को यही लुप्त होने का शाप दे दिया। इसीलिए सरस्वती जी यही लुप्त हुई और इलाहाबाद में गंगा जमुना के साथ प्रकट हुई। ये तो सचमुच चमत्कार है, यहाँ लुप्त होना और इलाहाबाद में प्रकट होना। ये विष्णु धाम का अजूबा है। धन्य है बद्रीनाथ धाम, धन्य है। माँ जी आप भूल कर रही हैं, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मेरी माँ तो ये है। मुझे पता है तू ही मेरा बेटा है। राधिका देख, मेरा बेटा आ गया। छोड़ दीजिए माँ जी, ये आपके बेटे नहीं है। माफ कीजिएगा, बहुत बुरे हादसे हुए हैं माँ जी के साथ, जिसकी वजह से इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। ओ जी, मेरा नाम गोविंद है और मैं अपने परिवार वालों के साथ चार धाम की यात्रा पर निकला हूँ। और आप? मैं राधिका, मैडम की नर्स। वैसे तो ये दिल्ली की हैं, पर साल के 6 महीने यहीं पे रहती हैं। एनीवे, आई एम सॉरी फॉर द ट्रबल। नेवर माइंड, इट्स ऑलराइट। अच्छा, हम भी चलते हैं। जी। ओके। चलिए माँ जी। चलो माँ। नहीं, मुझे मेरे बेटे से अलग मत करो। ये आपके बेटे नहीं हैं। मुझे अपने बेटे से अलग मत करो। चलिए माँ जी, बड़ी पागल है ये औरत। मेरे प्यारे हीरे जैसे बेटे को कह रही है अपना बेटा। जान ना पहचान, मेरा बेटा मेरा बेटा, ऐसा भी कभी होता है? होता है माँ जी, कभी कभी ऐसा भी होता है, पराया चेहरा अपना सा लगने लगता है। माँ जी, कछु और चाहिए? नहीं, कुछ नहीं। भैया, कछु नहीं चाहिए, जाओ जाओ जाओ। बेटा क्या दूं तुम्हें? माँ ये थोड़ी सी सब्जी। अच्छा ये लो। बस माँ, बस बस ये भी लो। जय बद्री विशाल। अरे बाबू जी, अरे आ गए आप। जीते रहो बेटे, जीते रहो। जो वादा किया सो निभाना तो पड़ेगा ही। सही तारीख और सही दिन पर आ गया हूँ मैं। आहा, गर्मा गर्म खाना। मुन्नू जल्दी से प्लेट लाना, जल्दी। रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? तीर्थ यात्रा पे निकलते वक्त अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाए तो उसे प्रभु का प्रसाद मान लेना चाहिए, क्या कहते हो बेटे? जी बाबू जी। बड़ी साधु संतों जैसी बातें करने लगे आप तो। वातावरण ही कुछ ऐसा है, उच्च विचारों के अलावा कुछ आता ही नहीं है मन में। आपको मालूम है इस बद्री धाम को स्वर्ग द्वार भी कहते हैं? यहीं से पांडव स्वर्ग गए थे। हो गई ना गड़बड़। क्यों? इसी स्वर्ग द्वार से तुम अपनी सारी दौलत समेट कर निकल जाओगी। आइडिया बुरा नहीं है, और फिर जब जाऊं तो अपने साथ ट्रांसफर करवा लूं। अरे क्या बात है बेटे, खाना क्यों नहीं खा रहे हो? भूख नहीं है बाबूजी। भूख नहीं है? परेशान क्यों हो तुम? कुछ नहीं बाबूजी, बस ऐसे ही। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ कह दिया है क्या? नहीं बाबूजी, वो बेचारी क्या कहेगी। तो फिर ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण ना तुम ठीक से खा रहे हो ना ठीक से सो रहे हो?
बाबूजी, आज मेरे साथ एक अजीब घटना घटी जिसने मेरी भूख प्यास और नींद सब उड़ा दी बाबूजी, सब उड़ा दी। कौन सी घटना बेटे? पता नहीं बाबूजी, एक पागल सी औरत से पहली बार मिलने के बाद न जाने मुझे क्यों ऐसा लगा जैसे कि मैं उसे बहुत पहले से जानता हूं। कहां मिले उसे तुम? बाबूजी इसी शहर में। इसी शहर में? तुम्हें यकीन है कि तुम उससे पहली बार ही मिले? हाँ। एक काम करते हैं बेटे, इस ठंडी हवा में थोड़ा सा टहलते हैं, मन शांत हो जाएगा। है? चलो। देखो बेटे, जिंदगी में ऐसे कई सवाल होते हैं जिनका कोई जवाब नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर देखो राधिका, देखिए माँ जी, ये आपकी बेटी नहीं है। माफ कीजिएगा, ये किसी को भी अपना बेटा समझने लगती है। मैंने कहा था ना, मेरा बेटा वापस आ जाएगा। माँ जी छोड़ दीजिए, माँ जी वो अपने छोटे। आप एक नहीं कई जाने बचा सकते हैं, इसे ले जाकर अपने पति के पास रख दीजिए और आप अपना बच्चा इधर ले आइए। लेकिन इस बच्चे की माँ, आपको जो करना है उसे जल्दी कीजिए वरना देर हो जाएगी। चलिए चलिए। माँ जी, माँ जी नहीं, आप इतनी घबराए हुए क्यों हैं? बताइए ना कौन है ये? कुछ नहीं बेटे, चलो यहाँ से चलो। नहीं बाबूजी, आज आपको बताना होगा ये औरत कौन है, क्या है सच्चाई। बोलिए बाबूजी, बोलिए ना क्या है सच्चाई। सच्चाई तो यही है बेटे कि हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा जरूर किया, लेकिन तुम्हें जन्म देने वाली माँ ये है। अगर ये सच है बाबूजी, तो फिर आज तक आपने मुझसे छुपाया क्यों? छुपाया क्यों? क्योंकि बेटे इसमें मेरा बहुत बड़ा स्वार्थ था, बहुत बड़ा स्वार्थ। मैं डर गया था बेटे, यशोदा को तीसरा बच्चा भी मरा पैदा हुआ और वो इस बात को वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, जान दे देती वो। अब क्या होगा बाबूजी? इसी बात का तो डर है मुझे बेटे, जब यशोदा को ये पता चलेगा कि तुम्हें जन्म देने वाली माँ वो नहीं है बल्कि तुम्हारी ये देव की माँ है। नहीं! ये सच नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। ये मेरा बेटा है, इसे मैंने जन्म दिया है बेटा। हाँ माँ, हाँ। आपसे बहुत भूल हुई है। ये नहीं, बहन, तुम्हारा बेटा शायद बिल्कुल इसकी तरह होगा, बिल्कुल इसकी तरह होगा, लेकिन ये नहीं, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। ये सच है कि गोविंद तुम्हारा ही बेटा है। यशोदा, गोविंद तुम्हारा ही बेटा है, तुम्हारा दूध उसकी रगों में खून बनकर दौड़ रहा है। लेकिन एक सच्चाई और भी है यशोदा, एक सच्चाई और भी है कि तुम यशोदा हो, गोविंद को जन्म देने वाली देव की बहन। नहीं बाबूजी, माँ माँ है, कोई अंतर नहीं होता जन्म देने वाली और जीवन ढालने वाली माँ में। दोनों की पवित्रता अपनी अपनी जगह महान है बाबूजी। हर संतान के भाग्य में माँ का प्यार हो ऐसा नहीं होता, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे एक नहीं दो दो माँओं का प्यार मिला, और ऐसा चमत्कार ऐसे चमत्कारी धाम में ही हो सकता है। जय हो बद्री धाम, जहां जहां मुझे मिला इतना प्यार। जय हो।
जय बद्री जय तेरा धाम, तेरा धाम। गाँव भजन में शुभ हो शाम, जय बद्री जय तेरा धाम, गाँव भजन में शुभ हो शाम। आज मिला है तेरी कृपा से मुझको सबका प्यार, मुझको सबका प्यार, जय जय बद्री धाम। सकते बाबू, जिस बच्चे को पैदा होते ही मैंने मरवा दिया था वो कहती है मरा नहीं, डॉक्टर ने वो बच्चा बदल दिया था, अब 25 साल के बाद वो बच्चा देवकी को मिल गया। ये तो होना ही था बाबू, ये तो होना ही था, मैं पहले ही कहता था मरवा दो उस बेटी को, मरवा दो। लेकिन आपने मेरी एक बात न मानी, वो आपको बर्बाद कर देगी, बर्बाद कर देगी आपको। मैं तो सचमुच बर्बाद हो जाऊंगा, बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, अरे ये धन दौलत सब छिन जाएगी। अगर ऐसा हो गया ना राहू बेटे, तो भुगतना तुझे ही पड़ेगा बेटे, भुगतना तुझे ही पड़ेगा, जब ये सब हाथ से निकल जाएगा, सब हाथ से निकल जाएगा। नहीं बापू, ऐसे कैसे हाथ से निकल जाएगा बताइए, ऐसे कैसे हाथ से निकल जाएगा। मैं बद्रीनाथ जाकर उन माँ बेटे को खत्म कर दूंगा, खत्म कर दूंगा उन दोनों को। नहीं दूंगा, क्योंकि अगर वो यहाँ आएंगे तो पूरे पैसे पे कब्जा कर लेंगे ना बापू। अगर मेरे पैसे पे कब्जा कर लेंगे तो मैं तो मर जाऊंगा, मर जाऊंगा ना बापू। लेकिन मैं क्यों मरूं, क्यों मरूं मैं? तो मारूंगा, मारूंगा उनको, उन दोनों को मारूंगा, मारूंगा उनको, सबको मारूंगा, 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 मारूंगा। घबराइए मत, अब ये ठीक है। क्या ठीक है डॉक्टर,
कब तक? जब तक तुम्हारी दवा का असर रहेगा तब तक ना। इसके बाद क्या? फिर वही पागलपन। डॉक्टर, जब तुम्हारी सुई उसके बाजू में चुभती है ना, तो दर्द यहां होता है, यहां बाप के दिल में। अजीब खेल है ऊपर वाले का। खेल नहीं, चाल है। चाल है ऊपर वाले की मुझे सबक सिखाने के लिए। अरे मेरी एक ही संतान को ऐसा रूप और ऐसा स्वभाव देकर तू सोचता है कि तूने कर्मचंद के कर्मों का फल दे दिया? हर दिन हर पल मुझे दुख पहुंचाकर तू समझता है कि तू बदला ले रहा है मुझसे इसी जन्म में? डॉक्टर, ये उसकी भूल है, ये उसकी भूल है। वो समझता है कि मैं घबरा कर हार मान लूंगा। कभी नहीं। मैं कर्मचंद हूं, कर्मचंद। मैं अपने कर्मों से अपने भाग्य की दशा बदलकर इस राजपाट तक पहुंचाऊं। मैं इसे गंवाऊंगा नहीं, और ना ही मेरा बेटा। अरे मैं अपने बेटे के लिए इतनी दौलत छोड़ जाऊंगा कि उसके आने वाली पीढ़ियों को किसी चीज की कमी महसूस ना हो। पहले इस नए संकट से निपट लूं। कैसा संकट? वही ऊपर वाले की नई चाल। निपट लूंगा तो उससे कोई बात नहीं। बस मुझे चिंता है तो अपने बेटे राहु की। मेरे बद्रीनाथ जाने के बाद तुम उसकी सही देखभाल कर पाओगे ना डॉक्टर? बेफिक्र रहिए आप, बस जल्दी से जल्दी जाकर आप लौट आइए। बद्रीनाथ पहुंचने में कम से कम 2 दिन लगते हैं। एक काम करता हूं, आज नहीं बल्कि अभी निकल पड़ता हूं। भीमा जी मालिक, मेरा सामान तैयार करो। राधिका जी, आज तक आपने माँ की जो सेवा की उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आभार कैसा, ये तो मेरी ड्यूटी है। आपके मिल जाने का एक बहुत बड़ा फायदा ये हुआ कि जो इतने सालों से मेरी दवा दारू न कर पाई वो आपके इस माँ बेटे के मिलन ने कर दिखाया। मानो एक चमत्कार की तरह माँ जी की दिमागी हालत लगभग सुधर गई है। चलो भाई चलो, छोटे मालिक जल्दी चलो। हाँ हाँ चलो भाई, आइए राधिका जी। आप बैठो बैठो, आओ आओ माँ। अजी जल्दी करिए, क्या यहीं बस जाने की इच्छा है? अरे आया, ये गंगा जल जो हमें वहाँ रामेश्वरम में चढ़ाना है ना, वो लेने गया था जो तुम भूल गई थी। चलो 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 चलो, जल्दी चलो भैया, जल्दी चलो। जय राम जय राम। निकल गए बाबू, अब मेरा क्या होगा? मैं तो मारा गया ना। अरे बेटे पागलों जैसी बातें मत कर। हाँ बाबू हाँ, मैं पागल हूँ पागल। लेकिन आप इधर बेवकूफ नहीं, जो हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए वो लोग मुझे भिखारी बना देंगे। जानते हो, जानते हो मैं अपनी रक्षा कैसे करूंगा? जानते हो बाबू, आक्रमण करके। अटैक बाबू, अटैक अटैक अटैक, मार दूंगा, खा जाऊंगा। अटैक। करमचंद जी, मैं डॉक्टर तलवार बोल रहा हूँ, आप घबराइए मत, हम राहु को संभाल रहे हैं। डॉक्टर, पहले मैं बंबई आ रहा हूँ, राहु से कहना कि ये मेरा वादा है, मैं उसे रामेश्वरम ले जाऊंगा, जरूर ले जाऊंगा रामेश्वरम। चलो भोले बाबा के द्वारे, सब दुख कटेंगे तुम्हारे। चलो भोले बाबा के द्वारे, सब दुख कटेंगे तुम्हारे। भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा।
चलो भोले बाबा के द्वारे सब दुख कटेंगे तुम्हारे। चलो भोले बाबा के द्वारे सब दुख कटेंगे तुम्हारे। पर करने को शिकार शिव चौदस की पावन वह रात थी अनजाने में हुआ प्रहर पूजा संस्कार हुए बाबा प्रकट सब दुख कटेंगे तुम्हारे। चलो भोले बाबा के द्वारे सब दुख कटेंगे तुम्हारे। भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा भोले दुख कटेंगे तुम्हारे। चलो भोले बाबा के द्वारे सब दुख कटेंगे तुम्हारे। इन्हें ये प्रसाद मत दीजिए, ये डायबिटीज की मरीज हैं। ये आप क्या कह रही हैं राधिका जी, ये तो प्रसाद है, श्रद्धा की मिठास से भरे। इस प्रसाद के खाने से इन्हें कुछ नहीं होगा। पुजारी जी, इन्हें प्रसाद दीजिए। आओ बे। अम्मा प्रसाद। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। माँ, बाबूजी, इस तरफ समुंदर है और इस तरफ जैसे हरिद्वार में हर की पौड़ी है ना, वैसा ही पवित्र स्थान है। चलो बेटी चलो। अरे राधिका जी, मैंने आपको नाराज कर दिया क्या? नाराजगी की ही बात है, माँ जी की सही देखभाल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं कुछ ऊपर नीचे हो गया तो। नहीं राधिका जी, जिसे आप अंधविश्वास कहती हैं, दरअसल वो आत्मविश्वास है प्रभु के प्रति। श्रद्धा की ये शक्ति कहीं बढ़कर है आपके इस मॉडर्न साइंस और लॉजिक से। ओफो, फिर शुरू हो गई तुम दोनों की बहस। माँ, जब तक इंसान ये दवा और दुआ का अंतर नहीं समझेगा ना, ये बहस तो चलती रहेगी। चलती रहे बेटा, मगर मैं तो थक गई हूँ। और मैं भी। ठीक है माँ, तुम आराम करो यहाँ, ताकि इसी बहाने थोड़ा बहुत आराम हमें भी मिल जाए। अजी, मैं तो आराम नहीं करने वाली, इतने पैसे खर्च करके आई हूँ, मैं तो घूमूंगी। इतने सारे मंदिर हैं, मैं सबके दर्शन करूंगी। सही कहा तुमने, न खुद चैन लेगी न मुझे लेने देगी। पैसे खर्च करके आई है ना, सारे मंदिर देखेगी। अजी चलिए भी, आप नहीं सुधरेंगे। जहाँ देखे खड़े हो जाते, इतनी दूर आए हैं मंदिर देखने के लिए, वो खड़े हुए हैं। माँ जी, माँ जी, हम त्योहार खातिर एक बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर आए हैं। बड़े मंदिर के पास एक बड़े स्वामी जी का प्रवचन होने जा रहा है। अरे दूर दूर से लोग चलकर आए रहे हैं उनके सुनने के खातिर। अच्छा, तो मैं भी चलूंगी। राधिका, तुम भी चलोगी ना? मैं और प्रवचन? नहीं माँ जी, मैं नहीं चलूंगी। अरे काहे नहीं? अरे अच्छे सत्संग सुनने का अवसर बार बार नहीं मिलता है। अच्छी बातें सुनने से अच्छे आचार विचार होते हैं। हाँ ठीक है, तो तुम ही अपने आचार विचार सुधार लो। लो कर लो बात। अरे माँ जी, मैं तो मुन्नू, इन्हें यही रहने दो, ले चलो मुझे वहाँ।
हाँ माँ जी जल्दी चलो, देर हो जाएगी। आओ आओ। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। जन जन के मन में रमे हुए, कण कण में बसे हुए, संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाले श्री रामचंद्र को शत शत प्रणाम। नारायण श्री रामचंद्र की जय। माता सीता जी की खोज में जब भगवान राम ने भारत के इस भाग पर अपने चरण रखे तो उस अवतारी पुरुष की लीला से पवित्र होकर ये स्थान रामेश्वरम कहलाया। रामेश्वरम अर्थात राम के ईश्वर महादेव यानी शिव का धाम। वास्तव में हुआ यूं कि जब लंका पहुंचने के लिए श्री राम और उनकी सेना के सामने विशाल समुद्र को पार करने की समस्या खड़ी हुई, तब विभीषण की सलाह पर समुद्र में मार्गदर्शन के लिए श्री राम ने समुद्र देव की उपासना की। परंतु जब समुद्र देव ने श्री राम की उपासना पर कोई ध्यान नहीं दिया, तब श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, ज्ञात होता है कि विनम्रता की भाषा समुद्र देव को समझ में नहीं आती। मेरा धनुष बाण लाओ, अब हम वाणों से पूर्ण समुद्र को ही सुखा डालेंगे। और जैसे ही श्री राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया, समुद्र में हाहाकार मच गया। भयभीत अवस्था में समुद्र देव प्रकट हुए और श्री राम से प्रार्थना करने लगे। ताहि माम प्रभु, ताहि माम, क्रोध को शांत कीजिए प्रभु, अन्यथा मेरे साथ असंख्य जलचरों का विनाश हो जाएगा प्रभु, विनाश हो जाएगा। पिछले 3 दिनों से आपका ध्यान हमारी इस समस्या की ओर क्यों नहीं गया? मैं अधम हूँ प्रभु, क्षमा प्रार्थी हूँ, मन वचन और कर्म से आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। हमें अपनी सेना के साथ लंका तक पहुँचने का मार्ग चाहिए। उपाय है प्रभु। वो क्या? आपकी वानर सेना में नल और नील नामक 2 भाई हैं, जिन्हें ये वरदान प्राप्त है कि उनके स्पर्श मात्र से ही भारी से भारी पत्थर भी समुद्र में तैरने लगता है। उनकी सहायता से सहज ही लंका तक सेतु निर्माण संभव है प्रभु। और इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र ने नल नील के द्वारा अपनी वानर सेना के सहयोग से पुल का निर्माण करवाया तथा भगवान शिव की विधि पूर्वक आराधना करके लंका के लिए प्रस्थान किया। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, अनंत काल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों
शक्ति का दान पाते हैं सब, नाग असुर प्राणी सब पर ही भोले का उपकार हुआ, नाग असुर प्राणी सब पर ही भोले का उपकार हुआ, अंत काल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, अंत काल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ, भोले शंकर की पूजा करो ध्यान चरणों जी। प्रसाद भोग का समय हो गया। ओ हाँ, चलो आनंद स्वामी तुम भी हमारे साथ चलो। जैसी आज्ञा गुरुदेव। ठीक है, दया सागर जी से कहिएगा भोजन के पश्चात यही मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार। हाँ ये क्या, उठिए देवी, लेने दीजिए इन चरणों को आंसू से, ये आंखें सूख गई थी आपकी प्रतीक्षा में, कहां खो गए थे आप पिछले 28 सालों से, कहां खो गए थे? मैं नहीं देवी, आपसे आपसे भूल हो रही है। भूल? मुझसे? जिस पति के साथ साथ फेरे लेकर, जिनके मैं अर्धांगिनी कहलाई, जिनके बच्चों की मां बनी, जिसे मैंने अपना परमेश्वर माना, भला उस पति परमेश्वर को पहचानने में मैं कैसे भूल कर सकती हूँ? क्षमा करें देवी, मेरा नाम आनंद स्वामी है, मैं वो नहीं हूं जो आप समझ रही हैं। सुनिए, क्या बात है मां, तेरी आंखों में आंसू? बेटा, मैंने अभी अभी तेरे पिताजी को देखा। पिताजी? पिताजी को देखा? हाँ, मैंने उनसे बातें भी की, पर उन्होंने पहचानने से साफ इनकार कर दिया और वो चले गए। माँ जी, आपने उन्हें ठीक तरह से पहचाना ना? कोई स्त्री अपने पति को पहचानने की भूल कर सकती है क्या? माँ, तुमने उन्हें किस तरफ जाते हुए देखा? इस तरफ। आओ मेरे साथ। आम जनता को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। देखिए, थोड़ी देर पहले मेरे पिताजी इसी रास्ते से अंदर गए हैं, हम सबको उनसे मिलना है। आपके पिताजी क्या नाम है? जी श्री वासुदेव त्रिपाठी। इस नाम के यहाँ कोई नहीं रहते। बेटे, वे अपना नाम आनंद स्वामी बता रहे थे। आनंद स्वामी आपके पिताजी? जी हाँ, मेरे पिताजी और इनके पति। देखिए, उनसे कहिए कि उनकी धर्म पत्नी यहाँ इंतजार कर रही है। ठीक, आप रुकिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। जी। वाह रे चार धाम, वाह, बद्रीनाथ में तूने मेरी माँ को उसका खोया हुआ बेटा दे दिया, और इस धाम में उसका खोया हुआ पति। धन्य है तेरा विश्वास माँ, धन्य है। माँ, अब तेरे बीते हुए दिन बिल्कुल भूल जा, अब तो तू ये समझ कि तेरे सुखी जीवन का तुझे आनंद लेना है। क्षमा करना। तुमसे अचानक मिलने की घबराहट में तुम्हें ना पहचानने की भूल कर बैठा। बेटे, अपने पिता को प्रणाम नहीं करोगे? बेटा? हाँ, ये आपका बेटा गोविंद है, जिसके जन्म से पहले ही आप मुझे छोड़कर चले गए थे। बेटा, ये तेरे पिता हैं, इनके पैर छुओ बेटा। आयुष्मान भाव। गोविंद भी मुझसे जन्म से पहले दुर्भाग्य से बिछड़ गया था, पर सौभाग्य से एक देवता स्वरूप कंचन सेठ और देवी समान उनकी पत्नी ने इसे बड़े प्यार से पाला पोसा,
और इतना बड़ा किया। बाबूजी, आप सबका पुनर्मिलन तो मेरे लिए पुनर्जन्म के समान है। आज माँ की आंखों में आपकी छाया देखकर मानो मुझे मुझे सब कुछ मिल गया हो बाबूजी, सब कुछ। सब ईश्वर की कृपा है बेटा, उसी के आशीर्वाद से आप सब जहां भी रहें सुख शांति से रहें, यही मेरी इच्छा है। जहां भी रहें यानी? यानी कि अब उस बसेरे में वापस लौटना मेरे लिए कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। मैं उस पड़ाव पर आ चुका हूं जहां सुख दुख, अपना पराया, इनमें कोई भेद नहीं। रिश्ते नाते मेरे लिए कोई अर्थ नहीं रखते। कोई अर्थ नहीं रखते यानी मैं और मेरी मां आपके लिए कुछ नहीं है? वासुदेव के लिए थे, वासुदेव के लिए, लेकिन आनंद स्वामी के लिए वो बीती हुई कहानी के पात्र के अलावा और कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। मेरे वर्तमान में, मेरे अनगिनत भक्तों में और उनमें कोई अंतर नहीं। अब तो ये आश्रम ही मेरा घर है। यहां के ही नहीं बल्कि सब जीव मेरे अपने हैं और ईश्वर की सेवा करना ही मेरा एकमात्र धर्म है। हरिओम। हे भगवान, यू हमसे आंख में छोले खेल रहा है तू? किस भूल की सजा दे रहा है तू हमें? किस भूल की? रो मत मां, भूल तुझसे नहीं, भूल तो उस इंसान से हो रही है जो कि रामायण का पाठ पढ़ाते पढ़ाते अपने आप को राम समझ बैठा है। तेरे विश्वास की शक्ति को इस भगवान ने समझा ही नहीं। इंसानों की तरह तुझे तुझे अबला समझ बैठा। क्यों अबला कहते हैं नारी को? हमें तो ऐसा नहीं लगता। वैसे देवकी भाभी ने जो सहा है वो भला कोई क्या सह पाता? उस सीता ने तो 14 साल का वनवास भोगा, पर इस सीता ने तो उससे दुगना, 28 साल का वनवास। उस सीता को तो अपने राम मिल गए, पर इन्हें क्या मिला? बहन, ना जाने कब से दुखों की आग में जलती आई हूं। यह आग सबसे पहले तब लगी जब गोविंद के ठीक पैदा होने से पहले इसका बड़ा भाई जो 5 साल का था स्कूल से ही किडनैप कर लिया गया। पुलिस ने बहुत तलाश की पर उसका कुछ नहीं पता चला। मिले भी तो इसके खून से लथपथ कपड़े। नहीं, नहीं, मेरा बबलू, नहीं, नहीं, हमने उसका क्या बिगाड़ा था जो उसने हमारे बबलू से सदा के लिए हमें जुदा कर दिया? जब मैं रैंसम देने को तैयार था तो क्या जरूरत थी इस मासूम बच्चे को? हे भगवान, किन पापों की सजा दे रहा है हम अभागों को? मुझे अभागी का दुर्भाग्य यही समाप्त नहीं हुआ। पीड़ा की आग और भड़की। जब एक दिन अचानक हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी का एक ब्रिज गिर गया और उसमें कई लोग मारे गए, मेरे पति ईमानदार इंसान थे इसीलिए दोषी न होते हुए भी उन्होंने उस दुर्घटना का दोष अपने सर ले लिया और आरोपों के दलदल में फंसते चले गए। और एक दिन, लेकिन जब मैंने कोई गलत काम किया ही नहीं तो मैं डरू किस लिए? इस तरह भागने से तो केस और बिगड़ जाएगा। अरे उल्टे को सीधा करना मुझे अच्छी तरह आता है जीजा जी। ये तूफान जो उठा है ना उसके थमने तक आप फौरन गायब हो जाइए, फौरन गायब हो जाइए। और देखिए, मैं इस देश के सबसे बड़े वकील और मीडिया बिल्डअप के द्वारा आपको बेकसूर साबित कर दूंगा। लेकिन मैं लेकिन छोड़िए जीजा जी, देखिए वक्त बहुत कम है, पुलिस किसी वक्त भी आ सकती है। अरे बहन, तुम ही समझाओ ना जीजा जी को।
भैया ठीक कहते हैं, आप इनकी बात मान लीजिए। मैं इनकी बात तो मान लूंगा देवकी, लेकिन इस हालत में तुम्हें छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? आप मेरी चिंता मत कीजिए, मेरी देखभाल के लिए भैया है ना यहाँ। पर मैं सोच रहा हूँ कि देखिए अगर... सोचिए मत। आपकी पत्नी मेरी भी तो प्यारी बहन है, इसकी अच्छी तरह देखभाल करने का नेक कर्म इस कर्म चंद पर छोड़ दीजिए। मैं... पुलिस आ गई, चलिए भागिए भागिए। हे भगवान, दिन से आज तक ना उनकी कोई खबर मिली ना चिट्ठी। हर तरह की कोशिश की उन्हें ढूंढने की, पर कुछ नहीं पता चला। और इतने दिनों बाद ईश्वर ने मिलाया भी तो आज इस तरह। ये बात मेरे गले से नहीं उतरती कि एक नेक और ईमानदार आदमी किसी कारण विवश होकर अपना घर छोड़ देता है और फिर सालों साल तक अपनी भोली भाली धर्म पत्नी से संपर्क करने की कोशिश भी नहीं करता। हो सकता है कि किया हो, पर उनका संदेश माँ तक पहुँचा ना हो। पहुँचा नहीं या पहुँचने नहीं दिया, मुझे तो इसमें कुछ गड़बड़ लगती है। गड़बड़ नहीं माँ, ये तो किसी का रचा रचा षड्यंत्र लगता है हमारे पूरे परिवार को बड़ी चालाकी से नष्ट कर देने का। और ये जिस रावण या कंस की करनी है उसे इसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। वो तो भुगतेगा ही, जैसी करनी वैसी भरनी, यही तो विधि का विधान है। लेकिन बेटे इस वक्त सर पे आई समस्या का क्या? भाभी जी, किस तरह मनाया जाए आपके पतिदेव को? है मैं तो किसी भी अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हूं, बस मुझे मेरे राम मिल जाए। माताओं, बहनों और सज्जनों, आज हम श्री राम जी के त्याग का प्रसंग शुरू करने जा रहे हैं। मेरी विनती है कि पहले आप सब मेरे साथ इस महामंत्र का उच्चारण कर मन पवित्र कर लें। जय सिया राम। जप ले राम 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 सीता राम राम पुरुषोत्तम भगवान की। त्याग किया देवी सीता का ऐसे रघुकुल राम की। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, जप ले राम 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 सीता राम राम राम। जप ले राम 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 सीता। सीता फूल सी सुकुमारी जनक नंदिनी, जिसने अपने पति धर्म का पालन करने के लिए क्या क्या नहीं सहा। फूल सी रानी ने संकट झेले, लंका में कष्ट उठाया, अग्नि परीक्षा देकर जिसने राम का मान बढ़ाया, उसको धोबी की बातों पर फल में राम ने त्याग दिया। उसको धोबी की बातों पर फल में राम ने त्याग दिया।
सीता का ऐसे रघुकुल राम की। सुनो सुनो भाई कथा सुनो, जप ले राम 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 सीता राम राम राम, जप ले राम 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 सीता। सीता जैसी पवित्र पतिव्रता आदर्श नारी को फिर से वनवास दे दिया गया, और वह भी गर्भावस्था में। अंततः विरह वेदना सहती जानकी ने ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में दो सुंदर तेजस्वी बालक लव और कुश को जन्म दिया। और फिर एक दिन वाल्मीकि से शिक्षा पाकर लव कुश थे दरबार में आए। कथा सुना सीता की राम को किए प्रश्न बिन सकुचाए। महल छोड़ संग चली आपके पग पग जिसने साथ दिया, किया देवी सीता का ऐसे रघुकुल राम की। सुनो सुनो भाई कथा सुनो, सुनो सुनो भाई कथा सुनो प्रभु पुरुषोत्तम भगवान की। क्या किया देवी सीता का ऐसे रघुकुल राम की। सुनो सुनो भाई कथा सुनो, जप ले राम 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 सीता राम राम राम, जप ले राम 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 सीता राम राम राम, जप जय सिया राम राम सीता राम राम, जप ले राम राम सीता राम राम, जप ले राम राम सीता राम राम राम। तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अगर उन्होंने सीता जी का त्याग कर राजदंड की मर्यादा की रक्षा की, तो आप मुझे त्याग कर किस आदर्श की रक्षा कर रहे हैं? क्या दोष है मेरा जिसके लिए इतने सालों से आपसे अपने पति से दूर रही? ना तुम्हारा कोई दोष है ना मेरा, ना मैंने कुछ किया ना तुमने, करने वाला तो वो है ईश्वर। ईश्वर? मेरी इस माँ का ईश्वर तो उसका पति परमेश्वर है। आज मैं इस भरी सभा में पूछना चाहता हूँ इस परमेश्वर से, क्यों अन्याय होता आया है आज तक मेरी इस भोली भाली माँ के साथ? क्यों ईश्वर के नाम की आड़ लेकर आज तक आप अपने दायित्व से मुंह मोड़ते रहे हैं? क्यों? भक्तजनों, इस प्रवचन में आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की धर्म सभा यही समाप्त होती है। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय। माँ जी, क्या आपके राम जी का यही न्याय है? आपके साथ अन्याय हो रहा है और वो देख रहे हैं। वो कुछ नहीं कहेगा राधिका, कुछ नहीं, जब तक माँ कुछ नहीं करेगी। माँ, तेरे इस परमेश्वर ने आज तक तेरा लक्ष्मी सरस्वती का रूप देखा है, लेकिन आज समय आ गया। माँ दिखा दे दुर्गा का रूप, दिखा दे इन्हें। हाँ माँ, दिखा दे इन्हें।
आप लोग स्वामी जी के रास्ते से हट जाइए। आप हट जाइए हमारे रास्ते से, ये आपके आश्रम का नहीं हमारे परिवार का आपसी मामला है। स्वामी जी का परिवार आपसी मामला? हाँ, स्वामी जी से? हाँ, पता नहीं है। जाने के बाद इतने सालों से क्यों आपने मेरे और अपने परिवार की खबर तक नहीं ली? क्यों? शायद यही प्रभु की इच्छा थी। प्रभु की इच्छा के आगे मैं विवश था। उन्हीं की इच्छा की वजह से मुझे गुरुदेव दयानंद जी मिले, जिनकी शरण में आके मेरे अशांत मन को शांति मिली, और उस शांति ने मुझे ही नहीं मेरी मंजिल, मेरे जीने के सारे रास्ते ही बदल दिए। रास्ते तो अनेक थे बाबूजी, लेकिन आपने अपने स्वार्थ के लिए सबसे आसान रास्ता चुना। इसे स्वार्थ न कहो बेटा, त्याग कहो। प्रभु को पाने के लिए स्वार्थ और मोह का त्याग तो करना ही पड़ता है। राजा हरिश्चंद्र ने भी अपनी प्रिय पत्नी तारामती का त्याग किया था। राजा नल अपनी प्रिय पत्नी दमयंती को सोता हुआ छोड़कर चले गए, और वैराग्य की भावना जागने पर महात्मा बुद्ध ने भी अपने परिवार अपनी पत्नी का त्याग किया, तो क्या कोई अपराध किया? अपराध तो रामकृष्ण परमहंस, जनक और विदुर ने भी नहीं किया था। उन्होंने अपने कर्तव्य पालन के प्रति अपना दायित्व निभाया। वो आपकी तरह अपने कर्तव्य से भागे नहीं। ये सब भाग्य का लेखा है। जब राजा रामचंद्र और सीता माता के साथ भाग्य ने खेल किया, तो हम मानवों की क्या बिसात। ये भाग्य का खेल नहीं, आपके मन का डर बोल रहा है। मेरी माँ से भाग्यवान तो उस मजदूर की पत्नी है, जिसका पति दिन रात मेहनत करके उसे प्रसन्न रखता है और पूरे परिवार का पेट भरता है। बाबूजी, असली धर्मात्मा वो है जो अपने कर्मों के साथ साथ अपने कर्तव्य का पालन भी करता है। आप जिस धर्म का प्रवचन करते हैं, वो आपके कर्मों से विपरीत क्यों है? आपके प्रवचनों में दिखावा है, धर्म क्यों नहीं, बोलिए ना बाबूजी। वत्स वासुदेव, क्या यही तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे पुत्र हैं? जी गुरुदेव, ये वो रिश्ते हैं जिन्हें आपकी शरण में आने के बाद मैं तोड़ चुका हूं, संन्यास ले चुका हूं। तुम्हें अधिकार किसने दिया इन रिश्तों को तोड़ने का? वत्स, पत्नी और परिवार की आज्ञा बिना संन्यास लेना धर्म नहीं है। संन्यास कर्म में होता है, कर्म से नहीं। पर गुरुदेव, राम नाम का प्रवचन करना, सभी लोगों को भक्ति के मार्ग पर लाना, सबको सुख शांति का मार्ग दिखाना, क्या ये धर्म नहीं है? वत्स, अगर सचमुच तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो क्या मेरी आज्ञा का पालन करोगे? आज्ञा कीजिए गुरुदेव। तो फिर सन्यासी आनंद स्वामी का यह चोला उतार कर वासुदेव के ग्रस्त आश्रम का पालन करो। जाओ। देव की बहन, तू यहाँ? मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ये तेरा खोया हुआ बेटा है ना? हाँ भैया। बेटा, ये मेरे भैया हैं, तेरे मामा जी। वाला गुमा जी। जीते रहो, जीते रहो बेटे। भैया, आपने इन्हें नहीं पहचाना? अरे अरे जीजा जी, अरे जीजा जी, मेरा मन कहता था कि आप एक दिन जरूर मिलोगे, और मिल गए ना, मिल गए। अरे अरे, भला हो तेरा बम्बोलेनाथ कि पूरे परिवार को तूने मिला दिया। रामेश्वर धाम, तेरी महिमा देखकर तो यहीं बस जाने वाला हूं मैं, संन्यास लेकर। हाँ जीजा जी, अब संभालो अपना कारोबार और मुझे मुक्त करो इन संसारिक जंजालों से। स्वामी जी, अब संन्यास लेने की मेरी बारी है, मुझे अपनी छत्र छाया में ले लो। इन सब के मिलने से जटिल समस्या तो खड़ी हो गई है, पर हर समस्या का एक हल होता है। मैं भी हल ढूंढ लूंगा और ऐसा रचूंगा चक्रव्यूह कि अगली बार इनमें से कोई एक नहीं बचेगा। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं जो हमारे परिवार की तरफ बुरी नजर से देखेगा। बापू, कौन किसके परिवार को बुरी निगाह से देख रहा? मामा जी, पायला गुम। हेलो भैया। जीते रहो बेटा। अरे मैं तो बुरी नजर वालों की नजर उतार रहा था। कैसे आना हुआ? मामा जी, पिछले कई सालों में आपने जो कुछ भी माँ और बाबू जी के लिए किया, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अरे वो तो मेरा कर्तव्य था बेटे,
कि आप लोगों की अनुपस्थिति में अपनी बहन के साथ साथ उसके कारोबार को भी तो संभालना था। आपने कारोबार को संभाला ही नहीं बल्कि उसे कई गुना बड़ा कर दिया। मेरी आपसे यही विनती है मामा जी कि आगे भी इस कारोबार को आपका मार्गदर्शन मिलता रहे। मिलता रहेगा बेटे, मिलता रहेगा। पर मेरा कहना था कि अब आप लोग आ गए हो, संभालो अपने दायित्व को। मैं तो जैसा मैंने कहा था, मोह माया को त्याग कर इस रामेश्वरम में सन्यास ले लेना चाहता हूँ। है बाबू, झूठ बोलता है, तू सन्यास नहीं लेगा। भाई ये जो बोलता है ना वो करता ही नहीं। क्या बकरा है? मैं ठीक बोला हूँ बाबू, आप सन्यास नहीं लेंगे। ले लिया तो तो मैं अकेला हो जाऊंगा ना, मेरा क्या होगा? अकेले तो तुम तब पढ़ोगे जब हम मामा जी को सन्यास लेने देंगे। कल ही हम सब मिलकर अगले धाम जगन्नाथपुरी की यात्रा शुरू कर देंगे। प्लीज मामा जी, मेरी इस विनती को मत ठुकराइएगा। खिल गई मेरी जवानी, खिल गई रामेश्वरम में आके, मिल गई मेरे सपनों की रानी, मिल गई रामेश्वरम में आके रामेश्वरी, मिल गई। ये हम तोहरे खातिर लाए हैं मेरे प्राणों की प्राणेश्वरी, खास तोहरे लिए प्यार से मेरी रामेश्वरी। मैं हमरे सपने प्यार है, ये खले ये सापड़ है। नहीं नहीं नहीं, प्रसादम प्रसादम प्रसादम। अयो देवा कपतिंगो कपतिंगो रामेश्वरी इंगमा। अयो अम्मा 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 अम्मा। अरे आ लौट गया मेरे रामेश्वरम की रामेश्वरी, मेरे सपनों की परी। बैठा है यहाँ तेरा दिलदार, लिए बाहों में प्यार इस मीठे प्रसाद में। रामेश्वरम की खास बूटी है, खिला देना उसे, तेरी भक्त हो जाएगी, हर जीवन भर तेरी होकर रहेगी। वो पूरे रास्ते भागते भागते होटल जा पहुंचा और डर के मारे दरवाजा बंद करके बेड के नीचे झुक गया। और वो कुतिया? वो होटल के दरवाजे के बाहर बैठी रही और मुन्नू बेड के नीचे। फिर बड़ी मुश्किल से उसने उस कुतिया को वहां से भगाया। मुझे नहीं लगता कि अब भविष्य में मुन्नू शादी का नाम भी लेने वाला है। हे भगवान। तो अब आपने भी भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। आखिर आपको भी भगवान पर विश्वास हो गया? हाँ, पिछले दिनों में मैंने जो कुछ भी देखा, जैसे कि बद्रीनाथ में आपका माजी से 28 साल बाद मिलना, फिर अचानक एक चमत्कार की तरह माजी का आम इंसानों की तरह बोलना सोचना, और फिर यहाँ रामेश्वरम में आपके पिताजी का मिलना, माना कि एक के बाद एक ये कोइंसिडेंस है, संजोग है। पर ये संजोग करवा कौन रहा है? कोई तो शक्ति होगी। हाँ, वो शक्ति जिसका नियंत्रण मुझ पर, आप पर, बल्कि इस पृथ्वी पर ही नहीं पूरे ब्रह्मांड पर है, उसी को कहते हैं भगवान, जिसकी इच्छा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। जानती हो, तुम्हारा और मेरा बातचीत करना भी उसकी इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। गोविंद जी। सिर्फ गोविंद। ओके गोविंद, पता है शायद ही मैंने आज तक कभी किसी इंसान के साथ इतनी देर तक घुल मिलकर बात की हो। और ना ही मैंने, क्योंकि ना तो कभी वक्त मिला और ना ही कभी इच्छा हुई। लेकिन पता नहीं तुम्हारे साथ बातचीत करके मुझे क्यों अच्छा लगता है। क्योंकि शायद ट्यूनिंग राइट वाइब्रेशंस हैं आपके और मेरे बीच। नहीं राधिका जी, आप ही मुझे सिर्फ राधिका बुला सकते हैं। रियली? ओके राधिका, तुम्हारे और मेरे बीच ये प्रॉपर ट्यूनिंग और वाइब्रेशन शायद हमारे नाम की वजह से हो,
मैं गोविंद और तुम राधिका। और तुम तो जानती हो कि राधा और गोविंद का संबंध कितना अटूट था, यहां तक कि प्रेम पुजारन राधा को गोविंद ने अपना नाम तक दे दिया। दोनों का तो संग संग केवल नाम चला था, दुनिया चाहे जो समझे, राधा को तो कान्हा कभी नहीं मिला। आयुष्मान भव, अब आपका ऋण कैसे पूरा कर पाऊंगा गुरुदेव? अपने परिवार के सूखे सागर में स्नेह और प्यार का सागर भरकर। जी गुरुदेव, मैं जहां भी रहूं बस आपके आशीर्वाद का प्रकाश मिलता रहे, यही मेरी विनती है। वत्स, हर पल मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। अरे बहन, बहन तेरे लिए एयर कंडीशन गाड़ी लेकर आया हूं। मैं तो आ जाती भैया, पर अरे कोई बात नहीं, तुम्हारे पति भी तुम्हारे साथ ही चलेंगे। जीजा जी आप भी आइए ना। अरे नहीं नहीं भाई साहब, मुझे तो आप क्षमा ही कीजिए, वो क्या है मुझे इन सब चीजों की आदत नहीं है ना, मैं अगर आपकी एयर कंडीशन गाड़ी में बैठा तो मैं तो बीमार पड़ जाऊंगा। गोविंद तुम ही आ जाओ। मैं नहीं मामा जी, बाबू जी और माँ जहाँ मैं वहाँ, और जहाँ हमारा बेटा वहाँ हम। भाई साहब आप भी हमारे साथ चलिए, हंसी मजाक और गप्पों में सफर का पता ही नहीं चलेगा। वो भाभी बात क्या है कि मेरे बेटे को एयर कंडीशन की आदत है, तो मैं अपने बेटे के साथ ही रहूंगा ना। राधिका तुम आओ। आप भी कमाल करते हैं मामा जी, राधिका वाला कैसे जा सकती है, इसकी ड्यूटी तो माँ के साथ है, इसे तो माँ के साथ ही रहना पड़ेगा। ठीक है बापू, ठीक है बापू, जिसकी किस्मत में लिखा होगा उसी के नसीब में एयर कंडीशन का आनंद होगा ना। चलो, लगता है अपनी किस्मत जोरों पर है। कोई बात नहीं, जगन्नाथपुरी मिलते हैं। ओके मामा जी, बाय बाय। बाबू तो समझता नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ। ब्रेक फेल हो गया। What? कुछ करो भैया, गियर में डालो गाड़ी को। बाहर निकलो, बाहर निकलो, जल्दी से बाहर निकलो सब लोग। अरे ओह, कितनी गहरी खाई है, बच गए हम लोग। गाड़ी को धक्का लगाना पड़ेगा। शाबाश।
आजा मेरे मिट्टी के शेर, आजा। शाबाश बेटा, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आपने मुझे बचाया क्यों? बचाया क्यों? राधिका, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने तुम्हें किस लिए बचाया। एक इंसान होने के नाते तुम्हें बचाना मेरा कर्तव्य था, और ना ही इसलिए बचाया कि तुमने मेरी माँ की बहुत सेवा की, बल्कि इसलिए बचाया क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं अच्छी नहीं हूं, मैं वो नहीं जो तुम मुझे समझ रहे हो। तुम वो नहीं जो मैं समझ रहा हूं, तो कौन हो तुम? जिसे आप अपनी माँ की देखभाल करने वाली भोली भाली ईमानदार नर्स समझ रहे हैं, वो असल में एक षड्यंत्र का वो मोहरा है जो हर कदम पर आपको धोखा देती रही, जिससे आपकी एक एक खबर आपके दुश्मनों तक पहुंचती रही। उसी के लिए आपने अपने प्राण संकट में डाले। क्यों बचाया आपने मुझे, क्यों? राधिका, ये कैसी पहेलियों में तुम मुझे उलझा रही हो? होश में तो हो? हाँ, होश में तो मैं अब आई हूँ। जिनके लिए इतना कुछ करती आई, उन्हें दरिंदों ने मेरी जान की परवाह तक नहीं की। अपनी चाल में मुझे भी रोना चाहा। कैसी चाल? जिस एक्सीडेंट के बाद आपने मेरी जान बचाई, वो एक्सीडेंट कोई इत्तेफाक नहीं था, उसी षड्यंत्र की एक और चाल थी, आपके परिवार को खत्म करने की, नष्ट कर देने की। किसकी चाल थी ये? उसी की जो आपकी माँ और आपके परिवार को इतने सालों से दुखों की आग में झुलसाता रहा है। कौन है वो? आज के एक इज्जतदार सफल उद्योगपति, राजनेता, आपके प्रिय कंस मामा श्री करमचंद। मेरे भैया, उन पर इतना घिनौना आरोप, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? मेरा प्रमाण ये है माँ। तुम? कौन सा प्रमाण है तुम्हारे पास, दिखाओ। दिखाने को तो इस समय मेरे पास कुछ नहीं है माजी, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि करमचंद अपने स्वार्थ के लिए आप सबका भला कभी नहीं चाहेगा। भला नहीं चाहेगा, लेकिन क्यों? लोभ और करोड़ों की संपत्ति का लालच। हाँ बेटा, अगर तुम्हारे मामा को सचमुच संपत्ति का लालच होता तो क्या वो इतने सालों तुम्हारी माँ को जीवित रखता? हड़प कर लेता सारी संपत्ति से मारकर। पर मारा नहीं, कानून की निगाह से बचने के लिए। दुनिया वाले यही सोचते रहे कि करमचंद जैसा देवता स्वरूप पुरुष जो अपनी बेचारी बहन की इतनी सेवा कर रहा है, क्या वो कभी उसका या उसके परिवार वालों के बारे में बुरा सोच पाएगा? ये सब ढोंग है माजी, ढोंग। और ये ढोंगी बड़ी होशियारी से आप सबकी आंखों में धूल झोंकता आया है। धूल तो झोंकती आई है तू आज तक। इतने सालों से तेरे साथ ऊंट बैठ कर भी तुझे पहचान नहीं पाई, आज जाकर पहचाना है तुझे कि तेरा धर्म है नमक हरामी और तेरा कर्म है बसे बसाए घर को तोड़ देना सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। इसमें मेरा क्या स्वार्थ हो सकता है माजी? हमारी धन दौलत जिसको पाने के लिए तू अपनी मनगढ़ंत कहानी द्वारा मेरे परिवार में फूट डलवाना चाहती है। माँ, तू इसकी बातों को गलत समझ रही है। गलत मैं नहीं, तू है बेटा तू। बाहर वालों की बातों में पढ़कर घर वालों पर संदेह करने लगा है तू। बेटी, बेटी तेरे संदेह और आरोपों का आधार किसी ना किसी ठोस प्रमाण पर आधारित तो होगा ही ना, और इस आरोप को सिद्ध करने के लिए तुझे प्रमाण तो दिखाना ही पड़ेगा। कुछ होगा
तभी तो दिखाएगी ना, कुछ नहीं है इसके पास। मौके का फायदा उठाकर गोविंद को गुमराह करके नौकर ने से मेरी मालकिन बनना चाहती है ये। नहीं माँ जी, मैं कुछ नहीं बनना चाहती, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी आपके कितने एहसान है मुझ पर। तो एक एहसान और कर मुझ पर, मेरे सामने से चली जाए यहाँ से और वापस लौट कर कभी ना आना। रुक जाओ राधिका, रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? दूर, बहुत दूर, आप सबसे दूर। कहाँ जाओगी, किस किस से दूर जाओगी? और अगर तुम चली गई ना तो इस परिवार के लिए बहुत बुरा होगा, क्योंकि इस परिवार के भूत और वर्तमान को जोड़ने वाली कड़ी तुम हो राधिका, तुम। पर इस परिवार ने जो मुझ पर रांझन लगाए हैं, कौन हटाएगा उन्हें? मैं, तुम, हम सब मिलकर हटाएंगे। सिर्फ हमें सही वक्त की प्रतीक्षा करनी होगी। कब आएगा वो मौका? और अब कैसे रह पाऊंगी इस परिवार में मैं? माजी और मेरे रिश्ते के टूटे आईने में किस तरह देख पाऊंगी अपने आप को? तुम्हें देखना भी होगा और सहना भी होगा मां के लिए। वो तो भावुक हैं, भावनाओं में बह जाती हैं, लेकिन तुम तो समझदार हो, सच और झूठ के बीच का अंतर देख सकती हो, समझ सकती हो। समझती हूँ, इसलिए माजी और बाबूजी को सच्चाई बताने की कोशिश की। पर माँ की आंखों पर तो अंधे प्यार का पर्दा पड़ा हुआ है, वो उनके बारे में बुरा नहीं सोच सकती, तो सुनना तो दूर की बात है। लेकिन राधिका, हमें किसी भी तरह इस पर्दे को हटाना होगा। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, पर अब पर वर कुछ नहीं राधिका। अगर मेरा तुम पर थोड़ा सा भी अधिकार है तो मेरी बात मान लो, मुझे इस मझदार में छोड़कर मत जाओ। नहीं जाऊंगी अगर तुम मेरे सवाल का सही सही जवाब दोगे। हाँ हाँ पूछो। मैंने तुम्हारे मामा के बारे में जो कुछ भी कहा, ना माजी ने और ना ही बाबूजी ने मुझ पर विश्वास किया। क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? जितना मुझे अपने आप पर विश्वास है उससे कहीं अधिक। मेरी कसम। प्लीज अपनी कसम मत दो। ये कसम तुम्हें खो देने का भय सा दिलाती है। तो फिर एक वचन दो कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। जिसके साथ का एक एक पल प्यार और विश्वास से भरा हो, अगर ईश्वर भी बोले तो भी नहीं छोड़ पाऊंगा अपनी राधिका को। बापू मुझे चाहिए। क्या? दो कटोरियां। किस लिए? भीख मांगने के लिए। अब हम भी लाइन में बैठ जाते हैं, कम से कम दो वक्त की रोटी तो मिलेगी भीख में। अरे भीख मांगे हमारे दुश्मन, तू राजा का बेटा है, राज करेगा, राज राज करेगा, राज। अभी राज बचे तो अब ना, असली राजपाट वाले तो बच गए। अरे क्या बच गए, उसने बचा दिया, देखता हूँ कब तक बचाएगा तू। अरे तेरे से भी तो भूल होती है, अगली बार भूल होगी ना तो देख लूंगा, देख लूंगा, हाँ देख लूंगा। अरे बापू तू पागलों की तरह फिर बात करने लगा, ये किससे बात कर रहा है तू? अरे उसी से। खैर तू नहीं समझेगा मेरा हिसाब किताब, समझने की जरूरत भी नहीं, चल। जी मालिक। यहाँ क्या कर रहा है तू? जी मालिक, जगन्नाथ प्रभु की सेवा, यहाँ के मंदिर का पुजारी हूँ। अरे वाह बापू, सो चूहे खा के बिल्ली मंदिर में घुसी। बापू ये कौन है?
मेरा बहुत पुराना वफादार नौकर। एक बात बता, तू मुझे देखकर भागा क्यों? डर के मारे बाबू, डर के मारे। इसके मन में चोर है, इसलिए चोर की तरह भागा। नहीं, मैंने कुछ नहीं चुराया, मैं कुछ छुपा नहीं रहा हूँ आपसे। मैंने कब कहा कि तू छुपा रहा है? इसका मतलब जरूर कुछ छुपा रहा है। नहीं मालिक, मैं मालिक हूँ तेरा, तेरी रग रग को पहचानता हूँ। तू अच्छी तरह से जानता है अपने मालिक को। बताता हूँ मालिक, मैं आपका वफादार नौकर था और अब भी हूं। झूठ नहीं कहूंगा आपसे, आपके आदेश अनुसार उस दिन मैं बबलू के स्कूल जब पहुंचा तो देखा कि मुझसे पहले आप वहां पहुंच चुके थे और आपने मुझसे कहा, भवानी ये रहे 2 लाख तुम्हारा इनाम, और वो रहा बबलू। उसे इस दुनिया से उस दुनिया तक पहुंचाने का नेक काम तुम्हारा। सेठ जी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। और हां, आज के बाद तुम यहां दोबारा नजर नहीं आओगे, ध्यान रहे। स्कूल में मैं जाना पहचाना था, इसलिए किसी ने शक नहीं किया और बबलू को उठाकर मैं एक सुनसान खंडर में ले आया। सावधानी के तौर पर चारों ओर देखने के बाद जब मैं बबलू की ओर मुड़ा तो मालिक, तब तक मैं यही सुनता आया था कि बच्चे भगवान के रूप होते हैं, पर उस दिन तो मैंने अपनी आंखों से देखा साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी का रूप उस बालक में, तो कैसे मारता उसे। उसे लेकर मैं वहां से चला गया। सांसारिक मोह माया से मन इतना उचट गया कि अपने अपराध की क्षमा के लिए दर दर भटकता रहा। शांति मिली तो यहां जगन्नाथ जी के चरणों में आकर। बबलू कहां है? बबलू तो मालिक अब बिरजू बन गया है। उसको बड़े प्यार से अपने बेटे की तरह पाला है मैंने, और वो यही समझता है कि मैं ही उसका बाप हूं। वो करता क्या है? दास काठिया गाता है, गांव गांव घूमकर जगन्नाथ जी के भजन सुनाता है। इस वक्त कहां है? आज वो अजब रघुराजपुर में होगा, यहां से आधे घंटे का रास्ता है। पुरी नाम का तीर्थ, पुरी नाम का ओ भक्तों सब मिल कर इसकी वंदना करो, भक्तों सब मिल कर इसकी वंदना करो। मंदिर है श्याम का, मंदिर है श्याम का, सुभद्रा बलराम का, सुभद्रा भक्तों सब मिल कर इसकी वंदना करो, भक्तों सब मिल कर इसकी।
की वंदना करो। सागर की हुआ आदेश तीन प्रतिमा उजागर की। वाह दारू ब्रह्म लाए फिर लहरों में सागर की हुआ आदेश तीन प्रतिमा उजागर की। हाँ, हुआ आदेश तीन प्रतिमा उजागर की। एक और शाम एक और बलराम खड़े बीच में देवी सुभद्रा स्थापित की। अरे बीच में देवी सुभद्रा स्थापित की। सब मिलकर इसकी वंदना करो। ए, मंदिर विशाल है पूरी धाम का भक्तों सब मिलकर इसकी वंदना करो। राम है बल राम है नवीन सुंदर श्याम। राम है बल राम है नवीन सुंदर श्याम। राम है बल राम है नवीन सुंदर श्याम। कोठे खींचते आते वृंदावन प्रभु अश्रु नयन सींचते। गोप गोपी मिलकर रथ कोठे खींचते आते वृंदावन प्रभु अश्रु नयन सींचते। आते वृंदावन प्रभु अश्रु नयन सींचते। हे आज भी वही है दृश्य रथ यात्रा का लाखों भक्तों की भीड़ जमा यहाँ होती है। लाखों भक्तों की भीड़ जमा यहाँ होती है। सब मिलकर इसकी वंदना करो। गूंजता पूरी स्वर जय जगन्नाथ का भक्त सब मिलकर इसकी वंदना करो। राम हे बल राम हे नवीन सुंदर श्याम। सुंदर श्याम। राम हे बल राम हे नवीन सुंदर श्याम। राम हे बल राम हे नवीन सुंदर श्याम।
क्या मतलब? मतलब ये कि बीजू हमारी कैद में है, अगर तूने वही किया जो तुझसे कहा गया है तो बच जाएगा, नहीं तो उसकी लाश तक नहीं नजर आएगी। नहीं मालिक, ऐसा सोचना अभी मत, मैं वही करूंगा जो आप कहोगे। देर आए तो रुस्त आए, ये हुई ना समझदारी की बात। पर हाँ, जिस दिन तूने हमारे खिलाफ मुंह खोला उस दिन ना बीजू रहेगा ना तू। ये तो हमारा ड्राइवर भवानी है, तुम यहाँ कैसे? आपसे क्षमा मांगने के लिए मालकिन, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। कैसा पाप? मैं सुनाता हूँ इस पापी के पाप। ये वो नमक हराम है जिसने 25 साल पहले हमारे बबलू का अपहरण कर गायब हो गया था। अबे, तू यमलोक में भी छुपा होता ना तो तुझे पकड़ लाता ये करमचंद। क्या बिगाड़ा था रे हमने तेरा जो तुमने हमसे ऐसा बदला लिया? उस कोमल सी जान को मारने की क्या आवश्यकता थी? मारा नहीं मलिक, मारा नहीं मैंने उसको, वो तो अभी भी जीवित है। इसीलिए जीवित रखा इसने कि इस बार लाखों नहीं करोड़ों वसूल कर सकता हमसे। तुझे फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, समझा? लेकिन हमारा बबलू है कहाँ? उसे कुछ हो गया तो? अरे उससे कुछ नहीं होगा बहन, इस बार वही होगा जो तू चाहेगी। मैं कसम खाता हूँ अपने बेटे का मरा मुंह देखूं अगर बबलू को सही सलामत नहीं ला सका। चल पता कहाँ छुपा रखा है तूने हमारे बबलू को। कौन है आप? अरे मैं तेरा मामा हूँ। मामा? तेरी असली माँ का असली भाई। मैं तुझे तेरे असली परिवार के पास ले जाने के लिए आया हूँ, चल। मगर मेरा परिवार तो मैं और मेरे बापा। अरे वो भागा हुआ अपराधी है, रुक जाओ, हमारे रास्ते से हट जाओ। अगर हमने बीजू को यहाँ से जाने दिया तो हमारे टुकड़े टुकड़े करवा देगा भवानी बॉस। जब तक इसके असली माँ बाप हमें 10 करोड़ रुपया लाकर नहीं देंगे, हम इसको यहाँ से जाने नहीं देंगे। देखता हूँ कैसे नहीं जाने देते। वही आंखें, वही चेहरा, मेरा बबलू, यही है मेरा बबलू। यशोदा, यही है मेरा बबलू। बहन, नजर ना लगे तुम्हारी किस्मत को, तो बिछड़े बेटों के साथ इतने साल बाद मिलन। वाह जगन्नाथ धाम, देख लिया तेरा चमत्कार। जय हो चार धाम, जय हो। जिस तरह हमारे देश को जोड़ा चार धाम ने, उसी तरह आज मेरा पूरा परिवार भी जुड़ गया। बेटा, इन्हें पहचानते हो ना? ये तेरे पिता हैं, और ये गोविंद है तेरा भाई, तेरे खो जाने के बाद पैदा हुआ था। ये तेरे मामा जी हैं, तुझे ढूंढकर इन्होंने अपनी बहन पर बड़े उपकार किए हैं। कैसी गहरों जैसी बातें करती हो बहन, उपकार कैसा, ये तो एक भाई का कर्तव्य था जो मैंने पूरा किया। सुना तुमने गोविंद, किसी के कहने पर तुमने देवता स्वरूप मामा जी पर संदेह किया, क्या अब भी तुम्हें इनमें कोई स्वार्थ दिखाई दे रहा है? बोलो बोलो गोविंद। लगता है मुझसे कोई भूल हो गई है। तो इनके पैर पकड़कर इनसे माफी मांगो। अरे नहीं 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 बेटे, छोटों से गलती हो जाए तो बड़ों का फर्ज है कि उन्हें माफ कर दे। मामा जी, आपने भैया को लौटाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अरे उपकार कैसा, उपकार परोपकार तो उस ईश्वर का है जिसने मेरा सपना पूरा कर दिया।
अरे सारा परिवार एक हो जाए, इस सपने को पूरा करने के लिए मैंने क्या क्या प्रयास नहीं किए, लेकिन सही निशाना लगा तो इस बार। नहीं समझा तो समझ। मेरे बेटे, बीजू को लौटाकर जो उपकार मैंने उस परिवार पर किया है, उसके लिए मैं उनका सबसे बड़ा विश्वास पात्र बन गया हूं। अब अगर मैं उन्हें जहर भी दूध कहकर पिलाऊं तो वो खुशी से पी लेंगे। समझ गया बापू, समझ गया। इसका मतलब ये कि अब तुम अपना काम अंदर से करोगे और तू अपना काम बाहर से करेगा। ये कैसन खेल है तुहार प्रभु? अरे सबकी नैया पार लगाई, हमरी किस्मत का है मुरझाई। अब तो रह गया आखिरी धाम, हमरी भी कर लो सुनवाई। तेरी नहीं होने वाली सुनवाई, लड्डू आधे खिला या पूरे, तू रहेगा कुमारा का कुमारा। बहुत देर हो गई तेरे लिए। देर जैसी कोई चीज नहीं है ईश्वर के दरबार में। हो सकता है मुन्नू की मनोकामना भी किसी चमत्कार से पूरी हो जाए। हाँ, चमत्कारों का तांता तो बंधा ही हुआ है। देश के भ्रमण के साथ साथ सबका उद्धार भी हो रहा है, मुन्नू का भी हो जाएगा। चार धाम की महिमा सबको मोक्ष और ज्ञान तो देती है, लेकिन कभी किसी को निराश नहीं करती। पर मुझे क्यों निराश होना पड़ रहा है जीजा जी? इतनी दूर जगन्नाथपुरी आए और कोणार्क देखे बगैर ही लौटना पड़ रहा है। कोणार्क मंदिर? अरे हाँ, वो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ है? वो यहाँ से सिर्फ आधा पौना घंटा दूर। आने जाने और मंदिर देखने में कम से कम आधा दिन लग जाएगा। हाँ, कोणार्क के चक्कर में पड़ गए तो बहुत देर हो जाएगी। द्वारका का सफर बहुत लंबा है। पर ये अचानक प्रोग्राम में परिवर्तन? कोई बात नहीं बहन, तुम अपनी जिप्सी में द्वारका निकलो, मैं अपनी गाड़ी से कोणार्क होकर आता हूँ। भैया मैं तो जा रहा हूँ करमचंद जी के साथ। भगवान, जब तुम्हारा इतना पैसा खर्च करके हम यहाँ आए हैं तो फिर वो प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर क्यों ना देखा जाए? चले जाएंगे जब बुलावा आएगा। अब इस बुढ़ापे में खर्चे वर्चे की चिंता छोड़ो और चलो द्वारका। वाह वाह, असली चमत्कार तो अब देख रहा हूँ कि बाबूजी खर्चे की चिंता कर रहे हैं और माँ कह रही है कि खर्चे वर्चे की छोड़ो। तो भाई तय हो गया। गोविंद, तुम इस ग्रुप को लेकर द्वारका निकलो और मैं सेठ जी और भाभी जी को लेकर कोणार्क जाता हूँ। रास्ते में मिल लेंगे या द्वारका में मिलेंगे? चलो चलो चलो, चलो। सारा सामान आएगा, अब कछु बाकी नहीं है। कल ले बात। अरे आप लोग यहीं खा रहे हो, अरे जल्दी चलो नहीं तो। अरे लेकिन बीजू कहाँ है? अरे हाँ भैया, कहाँ गए? ना घर पर है ना यहाँ है, आखिर गए कहाँ? अरे मैं चला गया ना तो रह रहकर मैं अपने आप को कोसता रहूंगा। फिर क्या किया मैंने अपने इस बाप के लिए जो खुद भूखा रहा और मेरा पेट भरता रहा, जो खुद मिट्टी पर सोया पर मुझे सेज का सुख दिया। क्या कभी ऐसा बाप अपने बेटे का बुरा चाहेगा? बाबू, और तुम्हारे सर पर जो बदनामी की काली लिख लगी है, क्या उसे बिना धोए मैं चला जाऊं यहां से? अरे ये कालिक तो भगवान कालिया के चरणों की धूल है। मेरे लिए तो तू ही भगवान जगन्नाथ का साक्षात रूप है। अगर तू चला भी जाएगा तो तेरा ये चेहरा मुझे भगवान जगन्नाथ में नजर आएगा। मुझे नाराज मत कर बिरजू, मेरा दिल मत दुखा, तुझे मेरी सौगंध है, तू जा, चला जा यहां से। ठीक है, ठीक है बापू, मैं चला जाऊंगा, मगर जाने से पहले मुझे एक बात सच सच बता दो बापू। ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुमने वो बदनुमा दाग अपने सर पर ले लिया? ये नहीं बता सकता, मजबूरी है इसलिए। लेकिन तू सावधान रहना, सबका ख्याल रखना, बहुत खतरनाक है तुम्हारे दुश्मन। उनका संकट रात दिन तुम लोगों के सर पर मंडरा रहा है। सब रास्ता बंद है। क्या रास्ता बंद है?
अब बचाव का एक ही रास्ता है, आक्रमण। Thank you.
अरे भैया तनी हमका बताओ कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे हम यहाँ आत्महत्या करने आए हैं। हम भी यहाँ आत्महत्या करने के लिए आए हैं, लेकिन पहले हम आए हैं इसलिए पहला नंबर हमारा है आत्महत्या करने के लिए, लेकिन तुम ही कर लो पहले। अरे नहीं नहीं भैया, आप ही कर लो पहले। नहीं, हम तो बाद में कर लेंगे, पहले आप। अरे भैया पहले आप आए हो इसलिए आप ही आत्महत्या कर लो। नहीं नहीं, पहले आप। पहले आप, पहले आप भैया। हाँ, कहीं आप हमरे लखनऊ की तो नहीं है? हाँ, हम उही के हैं। तो आप हमरे शहर के हैं? तो भैया आप बताओ, आप आत्महत्या काहे कर रहे? बताओ। अब का बताए भैया, हम चारों धाम की यात्रा कर लिए यही मनोती लेकर के हमरी बिटिया की शादी हो जाए, पर कोनो दुल्हा नहीं मिला, इसी गम में ये सूख कर काटा हो जा रही है। अब हमरे जीते जी हमरी बेटी का हाथ पीला नहीं कर सके तो का फायदा, इसलिए हम तंग आके आत्महत्या कर रहे हैं हमरी मुन्नी के साथ। मुन्नी? अरे भैया तो खुश हो जाओ, तुहार मुन्नी को मुन्ना मिल गवा। अरे सवा सोला ने सर, हम भी तो चारों धाम अपनी दुल्हनिया को खोजते फिर रहे ना। हे चारों धाम तुझे बारंबार नमस्कार, मुन्ना को मुन्नी से मिलाकर कर दिया चमत्कार। ब्याह करना कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं, इस मामले में जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। बहन इस मामले में जल्दबाजी करना ही ठीक है। ये मौका एक बार हाथ से निकल गया तो मुंबई पहुंचकर गोविंद हाथ में नहीं आएगा। हाँ हाँ, जिंदगी भर कुमारा बैठा रहेगा, क्यों जी? अरे वाह, कभी कभी मेरी पत्नी जो है बिल्कुल सही बात कह देती है। और ये बात सही होने के दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि गोविंद ने हमें वचन दिया था कि चार धाम की यात्रा करने के बाद जब वो मुंबई पहुंचेगा तो वो तुरंत शादी कर लेगा। और दूसरी बात ये है कि लड़का और लड़की एक दूसरे को चाहते हैं और लड़की राधिका हमें बहुत अच्छी लगती है। लड़की तो बहुत अच्छी है पर बहू के रूप में? देवकी, जिसने आज तक नर्स का कर्तव्य एक बेटी की तरह निभाया है वो बहू का कर्तव्य भी निभा ही लेगी। और गोविंद और राधिका का संबंध इस द्वारका धाम में हो जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने भाई साहब, मुंबई पहुंचने के बाद जो धूमधाम से होगी गोविंद की शादी, क्यों ना उसका शुभारंभ यहाँ मुन्नू की शादी में किया जाए, गोविंद और राधिका की मंगनी के साथ। इस आदर्श सुखी परिवार की मनभावन छवि को। ये सब तो आप ही की तपस्या का फल है, हमारे बिखरे हुए परिवार को पिरोने का पावन काम तो आप ही ने किया है। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। अरे ये तो जीजाजी चार धामों के चमत्कार ने उपकार किया है, इसी उपकार पर उपकार की खुशी में मैंने एक धर्मशाला बनवाई है जिसका नाम रखा है वासुदेव धर्मशाला। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये लीजिए करमचंद जी, ये शुभ कार्य अपने हाथों से संपन्न कीजिए। नहीं सेठ जी, इसके असली हकदार तो जीजा जी हैं। वासुदेव धर्मशाला का श्री गणेश इन्हीं के हाथों से होगा और पूरे परिवार समेत ये एक रात यहाँ बिताएंगे। देखिए ये उपकार इसलिए होगा कि अगर आप यहाँ रह गए ना कि ये धर्मशाला पवित्र हो जाएगी, बल्कि आपके परिवार की खुशी की खुशबू हमेशा के लिए यहाँ पर बच जाएगी। दीदी ये परोपकार कर दिया तो मेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। अगर आपकी यही इच्छा है भैया तो एक रात की तो बात है, यही बिता लेंगे, क्यों जी? ठीक है, इसमें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो फिर देर किस बात की, लीजिए नारियल और कर दीजिए शुभारंभ। आइए। देखा कैसा पलटा किस्मत का पैसा है? आज रात ठीक 12 बजे के बाद तू बिना किसी अड़चन के शहंशाह की तरह राज करेगा मेरी बहन की करोड़ों की दौलत के दम पर। तू सही कह रहा है बाबू, सही कह रहा है।
तू बाप नहीं है, महाबाप है, महाबाप पूरे जगत का। कैसी होशियारी से तूने धकेल दिया पूरे परिवार को उस लक्षाग्रह में, जिसे वो लोग धर्मशाला समझ रहे हैं। वो धर्मशाला नहीं, बमशाला है। उसके चारों ओर लगे बमों के रिमोट कंट्रोल के इस बटन को दबाते ही सब फड़ा, सब खत्म हो जाएगा। अब जीत तेरी ही होगी। बापू मेरी जीत पे और एक बार चेस करेंगे? नहीं नहीं, जीत से पहले क्यों जश्न मनाना ठीक नहीं। देख होश में रख अपने जोश को और दारू पीना बंद कर। कहीं नशे में गलत बटन गलत वक्त पर दबा दिया तो? ऐसा कैसे, सही वक्त पे बटन दबाऊंगा, सही वक्त पे, ठीक 12 बजे उस लक्षणागर में वो परिवार ऐसे गायब हो जाएगा जैसे गरम तवे पर छोटी सी मक्खन की टिकिया। ठीक 12 बजे हाँ, याद रखना। जाओ शक्ति तुम भी ख्याल रखना। ठीक 12 बजे बापू, ठीक 12 बजे। क्या संयोग की बात है प्रभु, इसी द्वारका में कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वापर युग समाप्त हुआ और कलयुग आरंभ हुआ। अब इसी तरह वासुदेव के परिवार के साथ साथ कलयुग समाप्त होगा और हमारा सतयुग आरंभ होगा। भगवान आप यहां? चार धाम की यात्रा के बाद अब तो तुम्हें भी मेरे दर्शन का अधिकार हो गया है करमचंद। मुझे भी? पर मैं तो, कारण कुछ भी हो, चार धाम यात्रा का पुण्य तो कमा बैठे हो। और वैसे भी तुम्हारे इतनी चालाकी से रचे हुए षड्यंत्र को देखने का मेरा भी मन चाहा। मेरे षड्यंत्र के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? सर्वव्यापी अंतर्यामी हूँ, सब पता है मुझे, इसीलिए तो आज प्रकट हुआ हूँ तुम्हें समझाने। मुझे समझाने? मुझ जैसे समझदार को तुम क्या समझाओगे प्रभु? मुझे समझाने का तो एक बहाना है, असल में तुम घबरा गए हो मेरी जीत से। खैर अब आ गए हो तो देखो मैं अपनी जीत के लिए क्या क्या नहीं करता हूं। तुम वही कर रहे हो जो मेरे पश्चात मेरे यदुवंशियों ने करके अपने ही वंश को नष्ट कर दिया था। क्यों तुम भी अपने वंश को नष्ट करने पर तुले हो करमचंद? क्यों? सर्वव्यापी अंतर्यामी होकर भी मुझसे पूछते हो क्यों? वेरी सिंपल, अपने बेटे के लिए भाई, उसके भविष्य के लिए। करमचंद पुत्र ना हो तो दुख, पुत्र होकर मृत्यु हो जाए तो महादुख, और अगर जीते जी दुर्बुद्धि और बुरे कर्मों का शिकार हो जाए तो। साफ साफ कहो कहना क्या चाहते हो? क्या ये जो तुम अपने पुत्र के लिए कर रहे हो वो उस योगदान का मूल्य समझता है? बिल्कुल, मैं जो उससे कहता हूं वो करता। तो तुम अपने बेटे राहुल से कहो कि वो 12 बजे की जगह 1 बजे रिमोट दबाकर उस धर्मशाला को उड़ाए, तो क्या वो ऐसा करेगा? कृष्ण भगवान जी, भला मैं उससे ऐसा करने के लिए क्यों कहूं? क्योंकि हो सकता है वासुदेव परिवार उस वक्त वहां हो ही ना, तीर्थ स्थान है, कहीं भजन सुनने या समुद्र तट के दृश्य को देखने गया हो, और अगर ऐसा हो गया तो तुम्हारा रचा रचाया खेल तो बिगड़ेगा ही और सदा के लिए। तुम मुझे ये सुझाव क्यों दे रहे हो? रणनीति सिखाने में मैंने कभी पक्षपात नहीं किया, और अगर कोई मेरे आगे भूल कर रहा हो तो मैं अनदेखी कैसे कर सकता हूं?
जाओ बेटे। हाँ बाबू। ध्यान से सुनो, रिमोट का बटन 12 बजे नहीं 1 बजे दबाना। क्यों 1 बजे क्यों बाबू? अरे वहां जाकर चेक करना भी तो जरूरी है कि वो लोग धर्मशाला में हैं कि नहीं। 12 बजे मैं वहां पहुंचकर अपनी आंखों से देखकर तुम्हें इशारा करूंगा। मेरा इशारा पाते ही उड़ा देना सबको, हाँ समझे? हाँ बाबू, मैं बिल्कुल समझ गया। मैंने उससे जो कहा मान गया? उसने जो कहा तुम मान गए पर समझे नहीं। क्या नहीं समझा? मैं समझाता हूं, चलो। कहां? तुम बीमा के साथ जाना। प्रोग्राम में कोई चेंज ना? बापू जाएगा धर्मशाला ठीक 12 बजे, धमाका होगा उसी समय ठीक 12 बजे। 12 बजे? हाँ। आपको कुछ हो गया तो? तो बापू भी उड़ेगा ठीक 12 बजे। मुझे मेरी मिलने वाली दौलत पर किसी का हक नहीं होगा, मैं अकेला हकदार बनूंगा, अकेला। करोड़ों का मालिक, करोड़ों का बीमा। मैं पागल जरूर हूं लेकिन इसके मामले में बेवकूफ नहीं। बेवकूफ नहीं। क्या हो गया उस पकले को? मेरा ही बेटा मुझको ऐसा कैसे कर सकता है वो? कुछ भी हो सकता है इस युग में, ये तो कल युग है, इस युग में कोई किसी का नहीं। सच भगवान, मैंने उसके लिए क्या क्या नहीं किया। उसी ने बहुत बुरा किया। तुम्हारा ही पुत्र तुम्हारी ही मृत्यु का कारण, ऐसा दुर्भाग्य, ऐसी दुर्दशा। प्रभु हार गया हूं प्रभु, मैं मूर्ख था जो आपसे उलझ पड़ा, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब बताइए मैं क्या करूं? अपने पापों का प्रायश्चित। कैसे प्रभु? वासुदेव परिवार को बचाकर। मैं उन्हें बचाना तो चाहूंगा पर अब समय ही कहां है। प्रयत्न करोगे तो समय ही नहीं, भाग्य भी तुम्हारा साथ देगा। और अब तो मैं भी तुम्हारे साथ हूं। विलंब ना करो करमचंद, अपने वंश को बचाने का ये नेक कार्य शीघ्र करो। आज के बाद कोई नहीं होगा बापू मुझे रोकने टोकने वाला, तू भी नहीं। तुम्हारी दौलत का मैं अकेला वारिस। अरे वो तो वैसे भी तेरा होने वाला था मूर्ख। मालिक बन जा, राजा बन जा, पर अपने और पराए में फर्क तो समझ। अपने पराए? बापू जब से मैंने हौस संभाला तब से तूने मुझे एक ही बात समझाई, बेटा राहू दौलत के आगे कोई रिश्ते नाते नहीं होते, है ना बापू? न बाप न माँ न बेटी न भाई, कोई नहीं। इसलिए बापू तेरा भी स्वाहा तेरे परिवार के साथ। कहाँ हैं सब लोग? अपने अपने कमरों में। सबको बुलाओ और निकालो यहाँ से बाहर। पर क्यों? क्योंकि कुछ ही देर में वो धर्मशाला और उसमें कैद महर्षि का सब जल के राख हो जाएंगे। इस रिमोट कंट्रोल के दबाते ही बारे मेरे रिमोट बारे वाह। अरे कहा
कहाँ गया? अरे जल्दी जुटो, जल्दी कहाँ जा रहे हो? तेरे ही बनाए हुए चक्रव्यूह में मैं खुद कैद। लेकिन कोई तो रास्ता होगा यहाँ से निकलने का? नहीं जीजा जी, यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता और न कोई अंदर आ सकता है। अरे इंसान क्या परिंदा तक नहीं। कैसे कैसे काम हो गया? हाँ ढूंढो। अरे अंधे हो गए हो क्या? जाओ, वो क्या रहा है? देखो ढूंढो। हाँ हाँ भैया, हाँ दूसरा हाथ, हाँ ऊपर कोशिश करो ऊपर आने की। हाँ शाबाश शाबाश। क्या? एक मिनट वहाँ जा, मैं यहाँ समझता हूँ। ओके मिल गया जादू चिराग, अब दिखा अपना जादू। रुक जा भैया। तुम यहाँ कैसे? चलो अगर तुम आई गए हो तो देखो नजारा अपने परिवार की बर्बादी का। इस रिमोट कंट्रोल के दबाते ही दूसरों को बर्बाद करके अपने आप को आबाद करना मूर्खता है। हम सब मिलकर भी तो एक साथ आबाद और खुश रह सकते हैं। नहीं, तुम सिर्फ ये बोल रहे हो, करोगे बिल्कुल उल्टा। इस चार धाम की यात्रा से लौटते ही तुम मुझसे बता लोगे, मुझे जेल भिजवा दोगे, मुझे बर्बाद कर दोगे। लेकिन नहीं, मैं बर्बाद क्यों हूँ? मरने से पहले तुम सब लोग को बर्बाद कर दूंगा। मरने से पहले देख धमाका। समझ, ये अब भी तेरे अपने हैं जिन्हें तू नष्ट करने पर तुला हुआ था। तू समझ क्यों नहीं रहा तेरी आंखों में कैसा पर्दा पड़ गया? सचमुच बापू, मेरी आंखों से पर्दा उठ गया है। मुझे बहुत शर्म आ रही है अपनी मूर्खता और पागलपन पे। मुझे क्षमा कर दो बापू, क्षमा कर दो बापू, क्षमा कर दो। बापी को कोई अधिकार नहीं है तुझे माफ करने का। माफी मांगनी है तो इनसे मांग, इनसे मांग। माफ कर दीजिए भैया, बाबू जी माफ कर दीजिए, मैंने आप सबको बहुत दुख दिया। बाजी माफ कर दीजिए, मैंने बहुत पाप किए। इस पागल को माफ कर दीजिए, मैं सचमुच पागल हूँ, सचमुच पागल हूँ। लेकिन बेवकूफ नहीं, अगर मुझे मरना ही है तो मैं सबको मार के क्यों ना मरूं? बाबू ये क्या कर रहे हो? जो मैं कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, जो मेरा नहीं वो किसी का नहीं। तू वही रह के देख कि किस तरह दोनों माओं के आगे मैं उनके बेटों को उड़ाता हूँ। रुक जा, आज तक एक माँ ने अपनी औलाद को मरते हुए देखा होगा, पर दो दो माओं के सामने एक साथ मरते नहीं बापू। ये देख, we'll be right back.
बाबू तूने अपने ही बेटे को बेटा 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 जिस पौधे को मैंने पाप और जहर से सींचा था उस वृक्ष को काटने का दायित्व भी तो मेरा ही था। अच्छा जी अरे चार धाम की यात्रा के पुण्य ने मुझे तो दिशा दिखा दी लेकिन इसे समझिए जिसने चारों